यह है खरमबंद बाजार इम्फाल में। पहली नजर में आपको एक बहुत नॉर्मल मंडी की तरह दिखेगी, पर जब आप गहराई से देखोगे आपको कुछ अलग दिखेगा। जो भी ट्रेडर्स हैं इस मार्केट में वो सब विमेन हैं। इस मार्केट में करीब 4000 से ज्यादा विमेन अलग अलग शॉप्स को चलाती हैं और आपको एक भी मेल सेलर इस मार्केट में दिखेगा ही। और ये जो मार्केट है ये शो के लिए नहीं है बस टूरिस्ट को दिखाने के लिए कि देखो हमारी मार्केट में विमेन काम कर रही है, बल्कि ये मार्केट मणिपुर की सोसाइटी की एक रिप्रेजेंटेशन, एक ऐसी सोसाइटी जहाँ विमेन एक मेजर रोल प्ले करती हैं स्टेट की इकोनॉमी में और स्टेट की सोशल मूवमेंट्स में। डेटा के हिसाब से मणिपुर में मर्दों से ज्यादा महिलाएं हैं ब्यूरोक्रेसी, मैनेजमेंट और लॉ जैसे फील्ड्स में मैनेजरियल पोजीशंस पर। जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयड वुमेन है स्टेट में वो ऑल इंडिया एवरेज से ज्यादा है। और इकोनॉमी के अलावा ऐसी वुमेन पार्टिसिपेशन आप सोसाइटी में भी देख सकते हैं, जैसे इरोम शर्मला जिन्होंने 16 साल का फास्ट किया था सरकार को फोर्स करने के लिए कि वो सिक्योरिटी लॉ अफ्सपा मणिपुर से हटाए, या फिर ये कॉन्ट्रोवर्शियल फोटो जो एक तरीका था महिलाओं के लिए प्रोटेस्ट करने का असम राइफल्स के हेडक्वार्टर्स के आगे, क्योंकि उनका मानना था कि आर्मी ऑफिशियल्स ने एक मणिपुरी महिला का रेप किया था। और ऐसा नहीं कि मणिपुर एक अकेली स्टेट है जहाँ विमेन एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। मेघालय, नागालैंड और मिजोरम फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में मणिपुर से आगे है, पर मणिपुर एक स्पेशल केस है क्योंकि मणिपुर में जो विमेन एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है वो उनके कल्चर की वजह से या ट्राइबल सोसाइटी की वजह से नहीं है, बल्कि उधर एक मजबूरी थी, एक ऐसी मजबूरी जिससे वो सर्वाइव कर पाए, और ये मजबूरी फिर धीरे धीरे सोसाइटी का एक अहम भाग। अब जहाँ मणिपुरी महिलाएं उधर की इकोनॉमी चलाती हैं और पब्लिक लाइफ में भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं, पॉलिटिक्स में इतनी महिलाएं आपको दिखेंगी नहीं। ऐसे जो रीसेंट इलेक्शंस हुए इधर 60 सीट्स में से बस 5 सीट्स में ही महिलाएं इलेक्ट हुई, और इस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में ही इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्यों मणिपुर में महिलाएं मार्केट में तो पाई जा सकती हैं पर विधानसभा में नहीं। पहले डिस्कस करते हैं कि क्या मजबूरी थी जिसकी वजह से विमेन इतना काम करती है मणिपुर में। हमारी कहानी स्टार्ट होती है खगेम्बा से, जो मणिपुर के राजा बने थे 15th सेंचुरी में। उनके रूल के दौरान मणिपुर का जो किंगडम था वो कई डिफरेंट एम्पायर से अपनी बॉर्डर शेयर करता था, जैसे अहोम, मुगल, बर्मीज और शिंग। उनके रूल के दौरान मणिपुर किंगडम के वेस्ट में थे अहोम और मुगल एम्पायर और ईस्ट में थे बर्मिंग और शिंग एम्पायर। इसकी वजह से मणिपुर में कई अटैक्स हुए, तो जब खगेम्बा किंग बने उन्होंने ये रूल बनाया कि जो भी मर्द हैं 17 से 60 साल की उम्र के उनको सोल्जर बनना होगा एम्पायर के लिए। इस प्रैक्टिस को गया ललुक कबा। अब अनफॉर्चुनेटली हो सकता है कि मेरी प्रोनाउंसिएशन परफेक्ट ना हो तो मुझे माफ कर देना और कमेंट्स में बता देना कि मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। अब इस रूल का डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ा मणिपुरी फैमिलीज पर, क्योंकि वो बीवी, बहन या माँ जो गांव में थी अब उनके परिवार में कोई मर्द नहीं था जो उनके लिए कमा रहा था, और ये प्रॉब्लम और बिगड़ी क्योंकि जो मर्द सर्व कर रहे थे आर्मी में किंग के लिए उनको कई बार पैसे नहीं दिए गए उनके काम के लिए। इसलिए अपने सर्वाइवल के लिए महिलाओं को काम करना ही पड़ा। उन्होंने छोटी छोटी दुकानें स्टार्ट करी, सिलाई करना स्टार्ट किया और गुड्स की ट्रेडिंग भी स्टार्ट करी। धीरे धीरे इम्फाल में एक मार्केट सेटअप हो गई जहाँ बस फीमेल ट्रेडर्स काम करती थी, और ऐसी वो मार्केट जिसके बारे में हमने इंट्रोडक्शन में बात करी वो सेटअप हुई थी। अब क्योंकि ये महिलाएं अपने घर में नहीं थी बल्कि बाहर काम कर रही थी, इसके बहाने वो कई कस्टमर से मिली। वो उस समय की एंटरप्रेन्योर थी, पर उस टाइम एंटरप्रेन्योर्स इतने कॉमन नहीं थे जो आज की दुनिया में है। आज हम कई वैल्यूएबल रिसोर्सेज यूज कर सकते हैं दूसरे एंटरप्रेन्योर्स से सीखने के लिए, जैसे हमारे सामने अलिशा सूजा जैसे एंटरप्रेन्योर्स जिनकी एक सक्सेसफुल मर्चेंडाइज लाइन है, या फिर लिली सिंह और सोरेल जिन्होंने अपने खुद के सोशल मीडिया एम्पायर्स बनाए। पर आज हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि हम डायरेक्टली इन एंटरप्रेन्योर्स से सीख सकते हैं, जैसे अलिशा की ये इलस्ट्रेशन की क्लास या फिर लिली सिंह की सोशल मीडिया सक्सेस के बारे में क्लास। ये क्लासेस और इनके अलावा कई और वैल्यूएबल क्लासेस आपको मिलेंगी स्किल शेयर में, जिन्होंने हमें सपोर्ट किया है ये वीडियो बनाने के लिए। स्किलशेयर एक ऑनलाइन लर्निंग कम्युनिटी है जहाँ हजारों क्लासेस हैं डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में, जैसे स्टोरी टेलिंग हो, राइटिंग हो या फिर एनिमेशन। और सबसे अच्छी बात है कि ये सारी क्लासेस एड फ्री है और इनको क्यूरेट इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ने किया है। जैसे मैंने एक रिसेंटली मास्टर क्लास ली थी पॉपुलर यूट्यूबर अली अब्दुल से प्रोडक्टिविटी के ऊपर। इस क्लास में अली अब्दुल टू डू लिस्ट और अपना कैलेंडर ऑर्गेनाइज करना सिखाते हैं। अब टू डू लिस्ट या फिर कैलेंडर ऑर्गेनाइज करना बहुत सिंपल लगता है,
पर इनका इतना बड़ा इम्पैक्ट होता है हमारी प्रोडक्टिविटी पर, और ये मैंने खुद फील किया है। इसीलिए मैं आपको स्किलशेयर की ये क्लास रेकमेंड करना चाहता हूँ। और बेस्ट पार्ट यह है कि आपको स्किलशेयर की सारी क्लासेस मिलेंगी एड फ्री और बहुत ही अफोर्डेबल दाम पे। उनका एनुअल सब्सक्रिप्शन है करीब 1800 रुपए का, यानी कि 150 रुपए पर मंथ। और सच कहूँ तो कई बार हमारा ऑनलाइन खाने का ऑर्डर भी 150 रुपए से ज्यादा होता है एक रात का। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा और पहले 1000 लोग जो उस लिंक को क्लिक करेंगे उनको एक 1 मंथ का फ्री ट्रायल मिलेगा। तो उस लिंक को जरूर क्लिक कीजिए और अपनी क्रिएटिव जर्नी स्टार्ट कीजिए। अब वापस आते हैं मणिपुर की कहानी पे। और रत्ना होयरम जो एक प्रोफेसर है असम यूनिवर्सिटी में, उन्होंने कहा कि ऐसे बातचीत की वजह से ही मणिपुरी महिलाओं में एक सोशल और पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग बढ़ी। इवेंचुअली इसकी वजह से 2 चीजें हुई। पहली कि महिलाएं ज्यादा इंडिपेंडेंट हो गई और कई सोशल प्रैक्टिसेस जैसे डाउरी हो गई या फिर सती हो गई, ये ऑटोमेटिकली बंद होने लग गई मणिपुर। और सेकेंडली जब कोई भी सोशल या फिर पॉलिटिकल प्रॉब्लम होती मणिपुर में तो महिलाएं आगे आ जाती उस मुद्दे के खिलाफ लड़ने के लिए। अब इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। ये सोशल मूवमेंट्स के एग्जाम्पल स्टार्ट हुए अर्ली 20th सेंचुरी में, जब महिलाएं ब्रिटिशर्स के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही थी। और इन इवेंट्स को कहा जाता है नुप्पी लान या फिर इंग्लिश में विमेन वॉर। पहली विमेन वॉर हुई थी 1904 में। अब इस टाइम तक ब्रिटिश सरकार ने पूरी तरह कंट्रोल जमा लिया था मणिपुर पर। जो भी इम्पोर्टेंट डिसीजन थे वो अंग्रेज लेते थे, जबकि मणिपुर का किंग और उनका पार्लियामेंट डे टू डे चीजों की जिम्मेदारी लेता था। अब एक इम्पोर्टेंट डिसीजन जो अंग्रेजों ने लिया था वो था कि उन्होंने फोर्स लेबर का सिस्टम रीइंट्रोड्यूस कर दिया था। अब फोर्स लेबर का सिस्टम ये है कि अगर उन्होंने मणिपुरी लड़कों को देखा और कहा कि आपको सोल्जर बनना होगा, तो उन लड़कों को सोल्जर बनना ही होगा, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं। एक दिन ब्रिटिश सुपरिंटेंडेंट का जो घर था वो जलकर राख हो गया था। इसी वजह से अंग्रेजों ने लोकल्स को कहा कि वो म्यांमार जाए और लकड़ी लेकर आए ताकि सुपरिंटेंडेंट के घर को वापस बना दिया जाए। पर जब लोग प्रोटेस्ट करने लग गए कि वो ऐसा काम क्यों करें, उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने मणिपुर पर एक कर्फ्यू लगा दिया था। अब इस चीज के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए कई मणिपुरी महिलाएं सड़कों पर उतरी और उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट करे। ये थी पहली वुमेन्स वॉर या फिर नुप्पी लान। करीब 30 साल बाद एक सेकंड वुमेन वॉर हुई और इस समय वो चावल के बारे में थी। अब चावल एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप था मणिपुर के लिए, पर अंग्रेजों ने डिसाइड किया कि वो इस क्रॉप को एक्सपोर्ट करने लग जाएंगे देश के दूसरे भागों में। अब ऐसा नहीं था कि मणिपुर से कभी भी राइस एक्सपोर्ट नहीं हुआ था, पर वो राइस एक्सपोर्ट होता था जो मणिपुर में बच जाता था। जब सारे लोग खा लेते थे राइस, तो जो भी राइस बच जाता था वो चीज एक्सपोर्ट होती थी। पर इस बार ऐसा नहीं हुआ। अंग्रेजों ने मेनलैंड इंडिया से मारवाड़ी कम्युनिटी बुलाई और उनको कहा कि वो मणिपुर में अपने बिजनेस सेटअप करें, और ये बिजनेस था राइस एक्सपोर्ट का। अब इससे अंग्रेजों का भी फायदा होता और मारवाड़ी ट्रेडर्स का भी, पर मणिपुरी लोगों को नुकसान झेलना पड़ा। क्योंकि 1921 से 1939 के दौरान राइस एक्सपोर्ट तो बढ़ रहा था, पर जितना राइस उगाया जा रहा था वो उतना बढ़ नहीं रहा था। इसका मतलब था कि लोकल्स के पास खुद के खाने के लिए राइस कम होते गया। 1939 में जो राइस एक्सपोर्ट हुआ मणिपुर से वो कई सालों में हाईएस्ट था। इसके अलावा उस साल जो वेदर था वो भी खराब था, जिसकी वजह से लोकल्स के पास इतना चावल बचा नहीं खुद के खाने के लिए। इसकी वजह से 1939 में 4000 से ज्यादा विमेन ट्रेडर्स ने प्रोटेस्ट स्टार्ट करी और उन्होंने मणिपुरी राजा के दरबार में और ब्रिटिश सरकार के ऑफिसेस के चारों ओर घेराव कर लिया। उस दिन उन्होंने सारे मिडिलमैन को भी रोक दिया जो नॉर्मली चावल मारवाड़ी ट्रेडर्स को बेचते थे। 2 दिन बाद इस प्रोटेस्ट की वजह से राइस एक्सपोर्ट मणिपुर में बैन हो गया। और इस प्रोटेस्ट की वजह से 2 चीजें हुई। पहली चीज थी कि मणिपुरी के बीच एक एंटी किंग और एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट डेवलप होने लगा, और दूसरी चीज थी कि इस प्रोटेस्ट ने एस्टैब्लिश कर लिया कि विमेन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मणिपुर की सोसाइटी में। और इसी की वजह से मणिपुर की कई सिविल रेजिस्टेंस मूवमेंट्स में हमें महिलाएं दिखी हैं। अब ऐसी बातें सुन के ऑब्वियसली आप सरप्राइज हो जाएंगे ये जान के कि एक्चुअली मणिपुरी महिलाएं उधर की पॉलिटिक्स में इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले नहीं करती है। अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें तो मणिपुर वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स है। द मिंट की एक एनालिसिस ने दिखाया कि मणिपुर का नंबर ऑल इंडिया एवरेज से भी कम है। तो सवाल ये खड़ा होता है कि ऐसा है क्यों? अब इस चीज के 2 कारण है। पहला है कि मणिपुरी सोसाइटी के इतिहास में कभी ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम था ही नहीं जहाँ विमेन ने डोमिनेट किया। जैसे जब मणिपुर में मोनार्की थी तब उधर किंग थे, जो भी सोल्जर्स थे वो भी मेल थे और एडमिनिस्ट्रेशन में भी बस मर्द ही थे। जब विमेन ने सोसाइटी में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करना स्टार्ट किया वो एक मजबूरी थी मणिपुर सोसाइटी की। और जब विमेन ने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट भी किया तो उन्होंने बहुत इनफॉर्मल और छोटी चीजें करी, जैसे अपना ठेला चला दिया या फिर मार्केट में बेचने लग गए सामान। और अनफॉर्चुनेटली दूसरा फैक्टर है हमारे देश की पॉलिटिक्स,
जहाँ अगर आप किसी महिला को टिकट देंगे तो वो एक रिस्की चीज मानी जाती है। ब्रिंदा थुनाजम जो एक पुलिस ऑफिसर थी, उन्होंने बहन बॉक्स पोर्टल को बताया कि पॉलिटिक्स में पैसा एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। बीजेपी और कांग्रेस जैसी पार्टीज उन कैंडिडेट्स को टिकट देना चाहती है जिनके पास बहुत सारा पैसा है और जो खुद के इलेक्शन कैंपेन के लिए और पार्टी फंड के लिए पैसे दे सकते हैं। बट जैसे हमने बात करी, जो महिलाएं थी जो काम कर रही थी वो इनफॉर्मल जॉब्स कर रही थी, उनके पास इतना पैसा कहाँ से आएगा। इसीलिए पॉलिटिक्स में परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा है मणिपुरी महिलाओं। जैसे इरोम शर्मिला जो एक सोशल एक्टिविस्ट थी और इतनी पॉपुलर थी कि उनकी स्टोरी को कई मीडिया हाउसेस ने कवर किया, और जब 2017 में वो इलेक्शंस लड़ने आई तो वो अपनी सीट जीती नहीं। गेस कीजिए कि ऐसी एक्टिविस्ट को कितने वोट्स मिले? बस 90। मणिपुर यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने कहा कि पब्लिक सेंटिमेंट मानो ऐसा था कि महिलाएं मार्केट तो चला सकती हैं पर इनको क्या पता एक सरकार कैसे चलती है। अब ऑब्वियसली ये एक बड़ी समस्या है, पर धीरे धीरे कुछ इम्प्रूवमेंट तो हमें देखने को मिल रही है। जैसे रीसेंट असेंबली इलेक्शंस में 5 महिलाओं को इलेक्ट किया गया जो मणिपुर की हिस्ट्री में हाईएस्ट है। जहां 2017 में कांग्रेस के 3% कैंडिडेट्स महिलाएं थी, 2022 में वो 7.5% थी। बीजेपी के साथ भी हमें ऐसा ही देखने को मिला, पर आप देख सकते हैं कि ये इम्प्रूवमेंट बहुत छोटी है, बहुत मेजर इम्प्रूवमेंट नहीं देखने को मिल रही है। और इसकी वजह से मणिपुर की जो सोसाइटी है वो अभी भी बहुत कंफ्यूजिंग है। जहाँ एक नज़र में आपको दिखेगा कि महिलाएं कितनी इंडिपेंडेंट है, वहीं दूसरी नज़र में आपको दिखेगा कि महिलाओं को अभी भी दबाया जा रहा है। और ये हमें सिखाता है कि अगर महिलाएं काम करने भी लग जाएं और प्रोटेस्ट में भी दिखें, इसका मतलब ये नहीं है कि उस सोसाइटी में महिलाओं का एक बहुत अच्छा दर्जा है। अब चाहे दूसरे राज्यों के कंपैरिजन में मणिपुर का परफॉर्मेंस अच्छा है, पर मणिपुर में अभी बहुत इम्प्रूवमेंट बाकी है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हमें बहुत पॉजिटिव फीडबैक मिला था नागालैंड और सिक्किम के वीडियोस के बारे में। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो उनको ज़रूर देखिए, वो भी इसी तरह रिसर्च ड्रिवन है। उन वीडियोस में भी हम ऐसी चीज़ें डिस्कस करते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के बारे में जो आपको शायद नहीं पता होगी, तो उनको ज़रूर देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।